हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की सेकेंड बुक मैथमेटिकल मैथड्स, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एंड इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल पिटने वाला काम कर रहे हो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे तो मुझे नहीं पता, वैसे तो सभी अलग अलग हो, लेकिन पता नहीं कमेंट्स पढ़ के आप देखते हो कि हमें ये वाला क्वेश्चन पूछना है या हमें ये वाला क्वेश्चन पूछना है। आपने ए टू जेड जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, आपने सभी क्वेश्चंस पूछ लिए। किसी को 13 में प्रॉब्लम है, किसी को 14 में है, किसी को 18-19 में हो गई, तो किसी को 16-17 में हो गई। लगता है एक भी क्वेश्चन आपने ना अच्छे से करके नहीं देखा है। मानती हूँ मैं 3 से 4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जिसमें से कि आपको प्रॉब्लम होनी थी। जैसे कि एक तो 5th क्वेश्चन था जिसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपका करेक्शन कराया था, एक लास्ट वाले थोड़े में मान सकती हूँ जो थोड़े लेंथी थे, कि डबल इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाने में आपसे मिस्टेक्स हो गई होंगी। बट ये बताइए इन क्वेश्चन में ऐसी कौन सी मिस्टेक हो गई थी जो आपको ये समझ में नहीं आया? इनमें तो ऐसा कुछ था भी नहीं, ना ही डबल इंटीग्रेशन था, ना ही कुछ, सिंपल एक पार्ट था इंटीग्रेशन का, उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। पता नहीं क्या कर रहे हो, क्या नहीं, बीएससी में आ गए आप सभी, इतने बड़े हो चुके हो, अब अगर इन छोटे छोटे इंटीग्रेशन में आप ऐसी मिस्टेक्स करोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एक बार, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 था जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। जिनका हो गया है अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है वो एक बार देख लीजिए। और ध्यान रखना जितने भी क्वेश्चन अगर मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ आपको करके देखने, अगर एक बार नहीं हो रहा दोबारा करके देखिए, क्योंकि आपकी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होती है। अब ये बताइए सारे क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से करा रही हूँ, फिर फायदा क्या हुआ? चलिए जो टफ है वो मैं यहाँ पे करा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है उनको तो आप एटलीस्ट कर सकते हो। लाप्लास निकालना है आपका किसका? फंक्शन ऑफ टी का। फंक्शन ऑफ टी आपको गिवन है ई टू दी पावर टी, किस कंडीशन में? अगर टी की जो लिमिट है वो 0 to 5 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है।
अटैक नहीं होगा, ठीक है, नोट करिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 था, ये भी होमवर्क से ही दिया था मैंने आपको, तो एक बार इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। हमें पता है क्वेश्चन ये आपको गिवन है, कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी लिखाया हुआ है, तो वहां पे मैच कर लीजिएगा। वी है, हमें पता है लाप्लास किसका, फंक्शन ऑफ टी का, किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन लिमिट डायरेक्टली ब्रेक कर रही हूं मैं यहां पे। अगर आप लिमिट कौन सी लोगे, 0 टू 2 लोगे, कितनी लोगे, 0 टू 2, तो a टू द पावर माइनस pt, इस लिमिट के लिए फंक्शन करा रही मैं क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन लिमिट आपकी टू पार्ट में ब्रेक होगी,
करना नोट करिए। सो यहाँ से आगे देखिए ना, जब आप लिमिट पुट करोगे टू एज इट इज, 5 पुट करोगे तो पी के प्लेस पे 5 पुट करोगे, 5 इनटू द पावर माइनस 5p अपॉन माइनस p प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन है, फिर 1 अपॉन p स्क्वायर, t के प्लेस पे 5 पुट करोगे टू द पावर माइनस 5p आ जाएगा। लोअर लिमिट पुट करोगे t के प्लेस पे 0, तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी, सेकंड टर्म के लिए माइनस साइन आएगा, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस, t के प्लेस पे 0 रखोगे टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और अपॉन में टर्म कितनी है p स्क्वायर प्लस, इसके लिए सॉल्व करोगे इंफिनिटी पुट करोगे ये क्या खत्म हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस साइन आएगा एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो e टू द पावर माइनस 5 क्यू अपॉन में कितना आ जाएगा p आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 2 5 जा 10 e टू द पावर माइनस 5 p अपॉन माइनस p अपॉन माइनस p माइनस, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 e टू द पावर माइनस 5 p अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 अपॉन p स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस 5p अपॉन p। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से देखिए ये वाले टर्म भी p में है, ये वाले टर्म भी p में है, डिनोमिनेटर सेम है आपके, अगर न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। जब आप इनको सॉल्व करोगे ये माइनस साइन यहां से ऊपर लिख सकते हैं, तो ये माइनस के और ये प्लस के हैं, तो माइनस 10 प्लस का कितना बचेगा माइनस 9, तो ये टर्म कितनी आ जाएगी माइनस 9 इनटू द पावर माइनस 5p अपॉन p। इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करोगे तो 2 अपॉन p स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, यहां से बचेगा 1 एंड यहां से टर्म कितनी आ जाएगी e टू द पावर माइनस 5p, ये प्लस का है ये माइनस का, आगे पीछे लिख सकते हैं 2 अपॉन p स्क्वायर 1 माइनस e टू द पावर माइनस 5p माइनस e टू द पावर माइनस 5p अपॉन p, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, वेयर p इज ग्रेटर देन 0। p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहां पे 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से नोट करिए एक बार। लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 19, इसको सॉल्व करेंगे। एच ऑफ टी आपको दिया हुआ है, किन किन कंडीशंस में जब लिमिट 0 टू पाई के बीच में एग्जिस्ट करेगी तो उस कंडीशन में फंक्शन क्या होगा, साइन टू टी, जब लिमिट पाई से लेकिन इनफिनिटी तक एग्जिस्ट करेगी उस कंडीशन में फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। तो हमें पता है क्या, लाप्लास ऑफ किसका, एच ऑफ टी का, किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी टू द पावर माइनस pt एच ऑफ टी इंटू dt। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लिमिट 0 टू पाई एग्जिस्ट करेगी किस कंडीशन में, जब एच ऑफ टी की वैल्यू कितनी होगी, साइन 2t होगी इंटू dt प्लस लिमिट पाई से लेके इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करेगी किस कंडीशन में, जब एच ऑफ टी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो ये कंप्लीट फंक्शन तो 0 हो जाएगा, सॉल्व किसे करना है आपको, ओनली इसे, इसमें क्या करेंगे, फिर से हाइलाइट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इनवर्स फंक्शन है नहीं है, लॉगरिथमिक है नहीं है, एल्जेब्रिक है नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, हाँ जी है, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ गया तो इसको फर्स्ट फंक्शन, और उसके बाद में एक्सपोनेंशियल आ गया तो उसको क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन लेट करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन आप सभी को आता है, फर्स्ट फंक्शन को क्या रखते हैं हम, एज इट इज रखते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, तो e टू द पावर माइनस pt का इंटीग्रल कीजिए टू द पावर माइनस pt और अपॉन में टर्म कितनी आ जाएगी माइनस p, फिर क्या आएगा माइनस साइन, इंटीग्रेशन किसका, साइन √t का क्या करिए पहले, डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, तो यहां से साइन √t का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा cos 2t और t का जो भी कोफिशिएंट है वो आगे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 cos 2t और e टू द पावर माइनस pt का क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन करोगे तो ये टर्म आ जाएगी इनटू में कितना आ जाएगा dt। यहां पे ये वाला जो फंक्शन है ये तो पूरा 0 हो गया, तो हमारे पास में ये जो फंक्शन आया इसको हम आई ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड कर लेना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब यहां से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, लिमिट कितनी चल रही थी हमारे पास में 0 टू पाई, सॉल्व करोगे ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी sin 2t e टू द पावर माइनस pt अपॉन माइनस p माइनस, इसको अलग लिख सकते हैं हम, लिमिट 0 टू पाई लिख सकते हैं, इसकी कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब ये वाला जो नेक्स्ट फंक्शन है इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कांस्टेंट टर्म है भाई लिख ली 2 अपॉन और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 अपॉन p कांस्टेंट टर्म है भाई लिख ली अंदर, फिर से आपके पास में दो फंक्शन बने, इसको फर्स्ट ऐड करोगे इसको क्या ऐड करोगे आप सेकंड फंक्शन, सॉल्व करोगे तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि cos 2t तो आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, e टू द पावर माइनस pt का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस pt अपॉन माइनस p आ जाएगा।
बताओ तो I किसके इक्वल आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे आप कितना आ जाएगा ये? 2 कॉमन ले लोगे, उधर से टर्म आ जाएगी 1 माइनस e टू दी पावर माइनस पाई t अपॉन t स्क्वायर। यहां से इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे तो t स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा? p स्क्वायर प्लस 4। p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल आउट तो 2 1 माइनस e टू दी पावर माइनस पाई t एंड अपॉन में 4, तो 2 से कैंसिल, सॉरी 2 और नीचे टर्म कितनी है? p स्क्वायर प्लस 4। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नोट करिए। सो आई होप अब आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, वैसे तो जितने भी मैंने आपको होमवर्क से दिए थे वो सभी क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में ही करा दिए हैं, क्योंकि किसी को किसी में प्रॉब्लम आ रही थी तो किसी को किसी में आ रही थी। अब देखिए आगे आपको ऐसा नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस टाइप का एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, जैसे कि सभी में आपको ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आई होगी वो आपको आई होगी डबल इंटीग्रेशन करने में, तो आप एक बार कीजिए, उसके बाद में देखिए आपकी सेकेंड क्वेश्चन में भी अगर वही मिस्टेक है तो एटलीस्ट उसको तो खुद करने की कोशिश कीजिए, वरना तो आप पे फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे। थोड़ा खुद का भी माइंड यूज़ किया कीजिए जहाँ पे आपको परेशानी आ रही है, दूसरे क्वेश्चन में नोटिस किया कीजिए कि आपको फिर से कहीं पे वही परेशानी तो नहीं आ रही, ठीक है। बाकी आई होप अब आपके सभी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हो गए होंगे। कल से हम इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर देना ताकि हमारी फैमिली और भी ज़्यादा बड़ी हो सके। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।